तो जन्मदिन मनावे हैं के सब के सब। मना लो भाया। और भैरों मन करे तो गांव भर में मिठाई भी बंटवा दे, कितनी खुशी की बात है। चार चांद लगा दिए थारी छोरी ने खानदान के नाम पे, और कुछ ही महीनों में तो इस घर की खुशियां दुगनी होने वाली है। तब तो भाया पूरी धूमधाम से ढोल ताशे के साथ खुल के जश्न मनाना सब के सब। ठीक है ना सुखना जी? जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। मैंने आपके लिए आम पाक बनाया, चलो जल्दी से भगवान जी को भोग लगा देते, फिर मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ए छोरी, क्या तमाशा लगा रखा है? किस बात की खुशी मनावे है? आज के बाद इस घर में कोई जन्मदिन मनमदिन ना मनाया जाएगा। आपकी नाराजगी अपनी जगह सही है मासा, पर क्या आज के दिन भी सुगना को जरा सी खुशी मनाने का हक नहीं है? वैसे तो हर साल आप आगे बढ़ कर सुगना का जन्मदिन मनाया करती थी। हाँ मासा, सबसे पहले आप ही के हाथ उठते थे सुगना को आशीष देने के लिए। हाँ, उठते थे तब। अब किस बात की आशीष दूं इसे? जो किया है ना इस छोरी ने, उसके बाद तो ना तो इसे खुश रहने का अधिकार है, ना बाकी सबको खुशी मनाने का। ईश्वर ने इसके कर्म की सजा दी है, सबको भुगतनी है। खुशियों से इस छोरी का क्या लेना देना? अगले जन्म की तो ना जानू, पर इस जन्म में तो इस छोरी को किसी भी खुशी की आशा भी ना रखनी चाहिए। नहीं दादी साहब, नहीं दादी साहब। सुगना को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है, और उसे वो सारी खुशियां मैं दूंगा। सुगना का हाथ जिंदगी भर थामने के लिए तैयार, भरने के लिए तैयार, भरने के लिए तैयार। ए छोरे, होश में भी है? कह बके जावे तू? जी मैं आपसे ये सब पूरे होश में ही कह रहा हूं। सुगना के बारे में पूरा सच जानते हुए भी उसके साथ ब्याह करना चाहता हूं।
जगदीश अपनी बींदनी को लेके भीतर जा, जा। और तू छोरी कुछ ना समझी, जा कोठरी के अंदर। बोल के मतलब है थारो, सुगना के बारे में कौन सा पूरा सच जाने है तू? जी मैं जानता हूं कि सुगना मां बनने वाली है। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर की बेटी के बारे में ऐसे बात करने की? जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। अरे वही हुआ जिसका डर था मने। मुझे छोरा इतना कुछ जाने है तो कह पता गांव में किस किस को खबर होगी? नहीं दादी साहब, ये बात मेरे सिवाय किसी और को नहीं पता, और मैं आपको वचन देता हूं कि यह बात कभी भी किसी को नहीं पता चलेगी। सुगना और इस घर की इज्जत का ख्याल है मुझे, इसलिए आपसे कह रहा हूं, प्यार करूंगा मैं सुगना से, इज्जत भरी जिंदगी दूंगा उसे। लेकिन क्यों शाम, क्यों तुम्हें मेरी बेटी की इतनी चिंता है? क्यों तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो उससे? नहीं, यह हमदर्दी नहीं है, पसंद करता हूं मैं सुगना को, चाहता हूं मैं उसे, और सुगना के लिए मेरे मन में जितना भी प्यार है आज उसी प्यार ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि आप सबके सामने खड़ा होकर ये सब कह सकूं। अरे क्या अनाप शनाप बके है, ठहरो, इसको मुंह लगाने की जरूरत ना है। अरे भूल मारी ही है, समझ लेना चाहिए था, मदन सिंह का छोरा दूध का धुला तो होवेगा ना, अपना असली रंग तो दिखावेगा ही, ऐसे थोड़ी ना है हमारे घर में। अरे मती मारी गई तुम्हारी, जो अपने घर के दरवाजे खोल दिए शैतान की औलाद के लिए। निकल जा हमारे घर से बाहर, शाम इससे पहले कुछ हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। तूने हिम्मत देखी इसकी? भाई साहब रुकिए, शाम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। सांप का जड़ा सपोड़ा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, जो इस पे विश्वास कर लिया। क्या बक गया ये छोरा, क्या क्या बक गया ये छोरा, हमारे मुंह पर कितना कुछ बोल गया। ऐसा गलत भी क्या कहा है उसने? मुझे तो शाम की बात में कोई बुराई नजर नहीं आती, अगर वो लड़का हम सबके सामने
इतने साहस से सुगना का हाथ मांग सकता है? तो मैं भी सुगना को शाम के साथ खुश देखना चाहूंगी। अरे बड़ी हो वे, अरे बावड़ी हो गई है, दिमाग फिर गयो के जो छोरे की हाँ में हाँ में लावे। अपने औकात में रह सुमित्रा, बींदड़ी है तू इस घर की और बींदड़ियों को बीच में टांग अड़ाने का कोई अधिकार ना है, समझी? चल जा भीतर जा। इस घर की बींदनी होने के साथ साथ सुगना की माँ भी हूं मैं। मेरी बच्ची के लिए क्या सही है क्या गलत है ये फैसला लेने का अधिकार है इस माँ को। सुगना के पूरे जीवन का सवाल है, उसके सुख उसके भविष्य का सवाल है। बड़ी मुश्किल से सुख की उम्मीद जागी है उसके जीवन में, अब उसकी खुशी के आड़े मैं किसी को ना आने दूंगी। बस कर सुमित्रा बस कर, तू जानती भी है क्या बोले चले जा रही है तू? हाँ जानती हूँ, सोच समझ कर कह रही हूँ जो कुछ भी कह रही हूँ। सुगना की भलाई के लिए हमें ये रिश्ता मान लेना चाहिए। भैरों तू खड़ा खड़ा सब कुछ क्या सुन रहा है? तुझे अपने घरवाली की बात सही लग रही है क्या? हाँ मैं तो इसे भीतर जाने को बोलूं और जे भीत की तरह हमारे सामने कड़ी जबान लड़ावे और तू वहां से खड़ा देखे। अरे जो घर का अपमान करे बुरा ना लगे तने, अरे खींच के ले जाए इसे भीतर और मुंह बंद रखा इसका, और जो तब भी ना माने तो चढ़ दे दो चार हाथ कस के पड़ी आई बीच में बोलने वाली। बस तुझे जो बात करनी है तू अंदर चल के कर चल। रे बसंत ये धनी लोग आई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो नहीं कुछ करना होगा। ऐसा कुछ करके वो छोरा आगे से इस ड्योड़ी के आसपास फटके भी ना। कैसे पता चला उस छोरे को कि तू पेट से है? जो बात घर की चार दीवारी के अंदर भी डर डर के जबान पे आवे मारी, उस बाहर वाले को कैसे पता चली बोल? खुद ही पर आई ना अपनी बेशर्मी की पोथी उस बाहर वाले छोरे के सामने। जे पाप करते तो शर्म ना आई तने, पर कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल कर। दिन रात इतनी जतन करके भगवान का नाम जप के इस पाप को ढकने की कोशिश करें हम, और तू है के इसी का ढिंढोला पीटती फिरे। ये अब क्या कह रहे हैं दादी साहब? मैं जे कहूं
कि तू कितनी भी भोली बनने की कोशिश कर, उन्हें सब मारूंगा। तूने ये बात उस छोरे को बताई? क्यों बताई? बोल क्यों बताई? माँ साहब, सुगना का इन सब चीजों में कोई लेना देना? मासा, उसे भी अपने परिवार की उतनी ही चिंता है, चिंता की हमें। मासा, हमें सुगना पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए? इस पे भरोसा करना होगा, भरोसा करना होगा इस चोरी पे। क्या भरोसा करूंगी मैं इसका? तुझे क्या हो गया सुमित्रा? जानती है क्या कह रही है तू? हाँ जानती हूँ। अपनी बेटी को फिर से जीवन जीता देखने का सपना देख रही हूँ मैं। आप अपने दिल से पूछिए, सुगना की हर खुशी में मुस्कुराते हैं आप, उसके हर दुख में छुप छुप कर आंसू बहाते हैं आप। क्या आप नहीं चाहते कि सुगना को फिर से जीवन जीने का हक मिले? सुमित्रा, बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती है। सुगना की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन यहां सुगना की जिंदगी दांव पर लगने की बात हो रही है। और फिर तू ये क्यों भूल रही है कि वो शाम जो है मदन सिंह का बेटा है? उस घर में कितनी बार हमारे नाम पर तलवारें निकल चुकी हैं। निकली थी सुगना के बापू, पर अब जब दुश्मनी खत्म हो चुकी तो डर किस बात का? जो कल हुआ वो बीत गया है। अब हमें सुगना के आने वाले कल के बारे में सोचना है, उसकी खोई हुई हंसी के बारे में सोचना है। सुमित्रा, ये सब इतना आसान नहीं है। तू ये क्यों भूल रही है कि हमारी बच्ची सिर्फ विधवा नहीं बल्कि ऊपर से आज उसकी कोख भी भरी हुई है। तो तुम मुझे बता, मैं कैसे कैसे विश्वास कर लूं कि जो आज तक हमारे समाज में नहीं हुआ वो हमारे घर में हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कोई भी बात शाम से छुपी हो। सब कुछ जानते हुए भी उसने सुगना का हाथ मांगा है। वो लड़का जो सुगना का कुछ भी नहीं लगता, आज इतना साहस दिखाया है उसने। और हम तो माँ बाप है सुगना के। समाज क्या, भगवान के सामने खड़े होकर भी इस माँ को अपनी बच्ची की खुशी के लिए लड़ना पड़े तो लड़ूंगी मैं। सुनिए, हमें शाम पर विश्वास करना होगा। मासा के सामने खड़े होकर जब उसने सुगना का हाथ मांगा, उसकी आवाज में कंपन ना सुनाई दी मुझे। उसकी आंखों को एक बार भी झुकते ना देखा मैंने। उसने सुगना के लिए हर तकलीफ हर मुसीबत से लड़ने का हौसला दिखाई दिया है मुझे। उसे और सुगना के जीवन को एक मौका देना होगा हमें। चलिए ना, मासा से सुगना के ब्याह के बारे में बात करते हैं। विधवा विवाह सूखे तपते रेगिस्तान में आशीर्वाद की तरह बरसती बारिश की बूंदों के समान है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि तिरस्कार।